जब भी दुनिया में रिकॉर्ड की बात आती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही आता है। मशहूर रिकॉर्ड हो या फिर अजीबोगरीब रिकॉर्ड, इस एक किताब में हर किसी का नाम आपको मिल जाएगा। सालों से गिनीज बुक दुनिया भर के रिकॉर्ड्स को अपनी सूची में दर्ज करती जा रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस किताब की शुरुआत हुई और कैसे यह इतनी फेमस किताब बनी। गिनीज बुक को बनाने का आइडिया ऐसे ही नहीं आया था, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। इसे बनाने का विचार 1950 के दशक की शुरुआत में आया था। यह आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यूम बीवर को आया था। वह उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे। वहाँ पर उनके और उनके दोस्त के बीच एक छोटी सी बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी, लेकिन किसी को भी कहीं कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स की जानकारी मौजूद हो। काफ़ी सोच विचार करने के बाद 1954 में ह्यूम ने एक और निशानेबाजी की पार्टी रखी और नॉरिस और रोस नाम के दो जुड़वा भाइयों को इसका आइडिया बताया। दोनों भाइयों को यह आइडिया काफ़ी पसंद भी आया। इसके बाद ह्यूम और दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटे से घर में बुक को बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कई फैक्ट्स के बारे में रिसर्च शुरू की। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने किताब लिखने का काम शुरू किया। तीनों ने एक भी दिन नहीं छोड़ा और लगातार काम करते रहे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने किताब को पूरा किया। फिर बुक को बेचे जाने के लिए तैयार किया गया। एक बार जैसे ही बुक पूरी हुई, उसे बेचने का प्लान बनाया गया। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि बुक को पब में बेचा जाए ताकि लोग इसे ज़्यादा खरीदें। हालांकि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी, यह बुक आते ही हिट हो गई। लोगों को यह इतनी पसंद आई कि सब इसे खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे थे। इसकी पॉपुलैरिटी देखकर कंपनी ने इसे फ्री में देने की जगह सीधा बेचने के बारे में सोचा। लोगों ने इसे बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा। अभी तक इसके जैसी फैक्ट से भरी कोई किताब मार्केट में थी ही नहीं। सब इसे देख के हैरान हो गए थे। कहते हैं कि यह उस समय की बेस्ट सेलर बुक थी। देखते ही देखते यह एक बड़ा ब्रांड बन गई। गिनीज बुक में किसी एक जगह की नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की जानकारी होती है। यह किताब रिकॉर्ड्स की इंसाइक्लोपीडिया है। इसके शुरुआती समय में रिकॉर्ड जमा करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि हर जगह तो रिकॉर्ड इकट्ठा करने जाया नहीं जा सकता था। इसलिए बुक के मालिक अपने कंटेंट्स के जरिए दूसरे देशों की जानकारी लेते थे। यही कारण है कि इसके हर संस्करण को बनाने में बहुत समय लगता था। कहते हैं कि इसके सबसे पहले संस्करण के लिए तीनों पार्टनर्स को लगभग $35 का खर्च आया। उस समय के हिसाब से यह रकम बहुत ज़्यादा थी। एक बार जैसे ही यह मार्केट में छाने लगी, लोग पत्र लिखकर इसमें अपने रिकॉर्ड दर्ज करवाने की अर्जी डालने लगे। धीरे धीरे बुक के मालिकों को रिकॉर्ड्स ढूंढने नहीं जाना पड़ा, बल्कि खुद लोग इन्हें अपने पास बुलाने लगे थे। माना जाता है कि कई लोगों को यह इतनी पसंद आ जाती है कि वह इसे लेकर भागते हैं। कहते हैं कि अमेरिका की पब्लिक लाइब्रेरी से चोरी होने वाली किताबों में गिनीज बुक का नाम सबसे ज़्यादा आता है। अब यह बात तो सीधे तौर पर बताती है कि इसकी दीवानगी आखिर कितनी है। तो यह था गिनीज बुक का रोचक इतिहास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।